देख रहे हैं खबरों का नया पैमाना, भोजपुर का अपना चैनल भोजपुर की आवाज। भोजपुर की आवाज न्यूज चैनल के रीजनल कोरोना बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा हुए कोरोना पॉजिटिव। औद्योगिक शहर मंडीदीप में कोरोना का हुआ शतक पूरा। अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को प्रदेश भर में 1424 नए मामले मिलने के साथ प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 66,914 हो गई है। इसके अलावा बुधवार को कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 1453 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमण से अब तक 51,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 14,337 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। अब खबर रायसेन जिले से। रायसेन जिले में मंगलवार देर रात से अब तक कोरोना संक्रमण के 30 मरीज सामने आए हैं। इसमें जिले के सभी ब्लॉक में मामले सामने आए हैं। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 724 हो गई है। इसमें जहां 14 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 140 एक्टिव मामले हैं। ओबेदुल्लागंज ब्लॉक में बुधवार को 6 नए मामले सामने आए हैं। इसमें एक ओबेदुल्लागंज शहर का तथा 5 मंडीदीप के हैं। औद्योगिक शहर में बुधवार को मिले 5 कोरोना मरीजों में एक आरक्षक मंडीदीप पुलिस थाने का तथा एक भोपाल में कार्यरत पटवारी है। इसके अलावा 3 अन्य मरीज हैं। इन्हें मिलाकर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 103 हो गई है। इसमें 15 मामले एक्टिव हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने बुध को शहर में संदिग्ध लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। आज के कोरोना बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी देश प्रदेश के साथ अपने जिले और शहर की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि।